हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू SVS इंग्लिश क्लासेस. वी आर हेयर टू यूज अबाउट टू इंस्टेड ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स. तो ये प्रीपोजिशन है. इन प्रीपोजिशन का कब प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, इस चीज़ को हमें जानने की आवश्यकता है. और हाँ, इसको शुरू करने से पहले एक बात और ध्यान दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको नई नई अपडेट्स ग्रामर से संबंधित और फर्स्ट पेपर से संबंधित आपको मिलती रहे. ठीक है. जब हिंदी वाक्य में ने ही वाला आता है तो अबाउट टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं. किसी भी कार्य के होने, तत्काल होने की हमें जानकारी होती है या बोध होता है, तब अबाउट टू का प्रयोग होता है. इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में, जब सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला होता है तब सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म इज एम आर वाज वर्ब कोई से भी आ सकती है. अबाउट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का प्रयोग करते हैं. एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है. ठीक है. जब कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जाए तब अबाउट टू के बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. सब्जेक्ट है लेकिन वो कार्य अपना आप नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर पैसिव इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा. जैसे पहला सेंटेंस है, दूधिया आने ही वाला है, तो दूधिया है, ही वाला आने. देखिए, अनुवाद का तरीका जो हमने वीडियो नंबर 1 में बताया वही चलने वाला है. टेंस बदलते रहेंगे, उसके बीच में कोई, जैसे अभी ये प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन का प्रयोग तो सभी टेंस में होता है, लेकिन यह विशेष रूप से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है. ठीक है ना. तो मिल्कमैन, मिल्कमैन है, बी फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है अबाउट. वैसे अबाउट ही प्रीपोजिशन है. ठीक है. और इसके बाद में इन्फिनिटिव का प्रयोग हो रहा है, अबाउट टू कम, ये इन्फिनिटिव बन जाता है. ये तो इस तरह से वाक्य में आता है ने ही वाला, तो अबाउट टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन वास्तव में ये प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ये इन्फिनिटिव एक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. ठीक है. उत्सव समाप्त होने वाला है. अब उत्सव तो अपना आप समाप्त होगा नहीं, कोई करेगा ना, तो ये पैसिव हो गया. यहाँ मिल्कमैन अपना आप आने वाला है, उत्सव अपना आप समाप्त नहीं होगा, तो यहाँ पर पैसिव इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा. दी फंक्शन है अबाउट टू बी एंडेड. तो कहाँ एक्टिव, अब ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्टिव इन्फिनिटिव होता है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव इन्फिनिटिव होता है. तो कहाँ एक्टिव इन्फिनिटिव आएगा, कहाँ पैसिव इन्फिनिटिव आएगा, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि फंक्शन अपना आप एंड नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, कोई करेगा, पैसिव हो गया. यहाँ पर आने वाला कौन है, मिल्कमैन. मिल्कमैन ही खुद आने का काम करेगा, तो ये एक्टिव हो गया. क्या हवाई जहाज उड़ने ही वाला था, तो ये फर्स्ट स्टेप इंटरोगेटिव हो गया. तो यहाँ पर क्या, हम पहले ही आपसे बता चुके हैं 1 से लेकर 20-25 मिनट सब में ये कहा है कि वो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता है, शुरू में क्या आता है तो उसके लिए वाट का प्रयोग नहीं करते. यहाँ क्या और था के लिए वाज आएगा, वाज हवाई जहाज, दी एरोप्लेन. अबाउट टू, ठीक. अब उड़ने ही वाला है, अपना उड़ेगा, कोई उड़ाएगा,
दूसरा ही उड़ाएगा ना, ये एरोप्लेन अपने आप तो नहीं उड़ेगा, तो पैसिव हुआ ना। तो अबाउट टू बी टेकन, यदि अपने आप उड़ता तो टू टेक ऑफ हो जाता, जैसे पायलट हवाई जहाज को उड़ाने ही वाला था, क्या पायलट हवाई जहाज को उड़ाने ही वाला था, तो कहता वाज द पायलट अबाउट टू टेक ऑफ द एरोप्लेन। नेक्स्ट देखेंगे, मैं सड़क को पार करने ही वाला था, मैं था, आई वाज, मैं था, अबाउट टू पार करने के लिए आती क्रॉस द रोड, मैं था अबाउट टू क्रॉस, पार करने ही वाला द रोड, सड़क। तो इतना हार्ड नहीं है, बस हार्ड है रूल्स को याद रखना। वह कक्षा से बाहर निकलने ही वाला था, तो वह था, ही वाज, वह था अबाउट टू बाहर निकलने क्या आएगा, ही वाज अबाउट टू कम आउट। आउट के बाद ऑफ आता है प्रीपोजिशन से बाहर निकलने के लिए, यहां से के लिए ऑफ का प्रयोग हो रहा है, आउट के बाद ऑफ ही आता से अलग होने पर, से बाहर आने पर, आउट ऑफ द क्लास, फुल स्टॉप। क्या मेहमान आने ही वाले थे, फर्स्ट ऑफ इंटरोगेटिव हुआ, तो क्या थे दी गेस्ट्स अबाउट टू कम, मेहमान ही इसमें आने वाले हैं, तो ये एक्टिव हुआ। क्या वह अब रोने वाली है, इसमें से ही गायब हो गया, अंडरस्टूड है, कोई बात नहीं, फिर ये इंटरोगेटिव है, प्रेजेंट में है, तो वह के साथ इज आएगा, इज वाली है तो सी आएगा, इज सी अबाउट टू, अब रोना काम तो सी ही करेगी, अबाउट टू वीप नाउ, क्वेश्चन मार्क। क्या मैच समाप्त होने ही वाला था, अब मैच तो अपना आप समाप्त होगा नहीं, हमें ये देखना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है या पैसिव, क्या अपना आप समाप्त हो जाएगा, नहीं, प्लेयर्स करेंगे ना, तो पैसिव हुआ, क्या था वाज द मैच अबाउट टू बी एंडेड, मीरा अब नाचने वाली है, तो मीरा है अबाउट टू डांस नाउ। हमने जितने सेंटेंस बनाए इनमें केवल एक ही सेंटेंस में इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, मैं सड़क पार करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू क्रॉस द रोड, क्या क्रॉस करने वाला था, रोड। दो सेंटेंस हम केवल आपको ऐसे बनाएंगे जिनमें इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होगा। देखिए 11 सेंटेंस, माताजी खाना पकाने ही वाली थी, तो माताजी थी, मदर थी
अबाउट टू, हमारा जो इन्फिनिटिव आ रहा था ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं था, एक सेंटेंस में था, मैंने आपको बताया था मदर वाज अबाउट टू कुक फूड, ठीक है, केवल इन्फिनिटिव था, उस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट है माताजी क्या पकाने वाली थी, फूड। क्या रवि आंगन साफ करने वाला है, तो क्या रहा है, रवि है तो शुरू में इज आ जाएगा, इज रवि अबाउट टू क्लीन दी कोर्टयार्ड क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इस इन्फिनिटिव का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिया। हमारा प्रयास रहता है कि स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो उसे अधिक से अधिक सॉल्व किया जाए। तो स्टूडेंट्स यदि आपकी कोई समस्या है किसी टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में आप उस प्रॉब्लम को लिखें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको अधिक से अधिक संतुष्ट करने की कृपा करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात आता है यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ के बजाय की जगह। जब किसी एक कार्य की जगह दूसरे कार्य किए जाने का बोध होता है या दूसरे कार्य किए जाने की जानकारी होती है तो इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें करना तो था, पढ़नी तो थी रामायण, लेकिन उसकी जगह क्या पढ़ लिया हमने, महाभारत। के स्थान पर, के बजाय, की जगह, इस तरह से इसका अर्थ आता है। तो सेंटेंस देखेंगे, उसने मुझे लाल कलम के बजाय काला कलम दिया। मुझे लेना तो था, उससे मांगा था लाल कलम, लेकिन उसने मुझे लाल के स्थान पर काला कलम दे दिया। तो जो बजाय के बाद आ रहा है शब्द वो पहले लिखा जाएगा इंस्टेड ऑफ के, और जो बाद में पहले आ रहा है वो बाद में जाएगा, ठीक है। कैसे देखेंगे, ही उसने दिया मुझे काला कलम बजाय लाल के, तो ही गेव उसने दिया मुझे काला कलम ए ब्लैक पेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ इंस्टेड ऑफ आने वाला है, तो जो इस के बजाय के बाद में आ रहा है वह मेन वर्ब के बाद आया, ठीक, और इसके जो पहले आ रहा था ये इंस्टेड ऑफ के बाद में आएगा। इंस्टेड ऑफ ए रेड पेन, तो किस प्रकार से लिखा गया है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक, के बजाय, इसके बाद आने वाला नाउन पहले लिखा गया, ये इसके प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है, तो ये प्रीपोजिशन के यहाँ देखते हैं, इस प्रीपोजिशन के पहले लिखा गया बाद वाला, और जो पहले आ रहा था वो इस प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है, तो समझे कौन सा नाउन कहाँ रखा जाएगा। क्या तुमने कॉफ़ी के बजाय दूध पिया, ठीक है, कॉफ़ी पीनी थी लेकिन उसे छोड़ दिया, उसके स्थान पर क्या पिया, दूध पिया, तो पिया पास्ट इंडेफिनिट में है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, तो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड यू टेक, ड्रिंक का प्रयोग कर सकते हैं खाने पीने के लिए, लेने के लिए टेक भी प्रयोग होती है, ड्रिंक भी प्रयोग कर सकते हैं, डिड यू टेक मिल्क, इन स्टेड ऑफ कॉफी, कॉफी की जगह, कॉफी के बजाय दूध पिया, कॉफी नहीं पी, ठीक है।
वे सोने के बजाय टहलने गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, वे गए, दे वेंट फॉर, सोना तो था उनको लेकिन पहले कौन सा काम किया, टहलने का किया, सोने का छोड़ दिया, सोने के स्थान पर टहलने का काम किया, दे वेंट फॉर वॉकिंग। इन स्टेड ऑफ देखिए ये प्रीपोजिशन है, ये हमारा जीरंड है, तो इस इंस्टेड ऑफ के बाद भी जो आएगा वो जीरंड ही आएगा, स्लीप नहीं स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, ये भी जीरंड है, ये भी जीरंड है, टहलने नानेनी जीरंड का अर्थ आता है सोने, नानेनी आ रहा है। ठीक है, ये तो ये जीरंड की पहचान है, और इससे पहले प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हो रहा है। उसने संस्कृत के बजाय इतिहास क्यों पढ़ा, संस्कृत तो पढ़नी थी लेकिन उसको छोड़ दिया, उसके जगह पे इतिहास पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, क्यों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, जब निगेटिव या इंटरोगेटिव में डिड आता है तो उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वाई डिड ही रीड हिस्ट्री, विषय का नाम है मोस्टली या ऑलवेज कैपिटल से लिखा जाता है, हिस्ट्री इन स्टेड ऑफ, ऑफ संस्कृत। ओके, आई थिंक यू विल गेट इट। मैंने साड़ी के बजाय अन्य कपड़े खरीदे, साड़ी छोड़ दी, उसके स्थान पर अन्य कपड़े खरीद लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, मैंने खरीदे, खरीदने के लिए बाय आता, सेकंड फॉर्म बॉट, वर्ब भी याद करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई बॉट अदर क्लोथ्स इन स्टेड ऑफ साड़ी। तुम चाय के बजाय दूध पियो, तुम आ रहा है, वैसे ओ आ रहा है, ये पहचान तो इंपेरेटिव की है, जब इंपेरेटिव की है तो इंपेरेटिव में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है, तो यहाँ तो दे रखा है हिंदी में, लेकिन अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यू को छोड़ देंगे, तो क्या हुआ, खाने पीने के लिए टेक वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे तो टेक का प्रयोग कर दो, टेक, ठीक है, या ड्रिंक, क्या पियो, मिल्क, इन स्टेड ऑफ टी। ठीक है, तुम सिनेमा जाने के बजाय घर क्यों नहीं जाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डे होती है हेल्पिंग वर्ब, तुम के साथ यू के साथ यहां पर डू आएगा, वाई डू यू, तुम क्यों नहीं जाते। ठीक है, किसी भी दिशा में जाने के लिए टू आता है, ठीक है, टू सिनेमा इन स्टेड ऑफ, ओह सॉरी, तुम सिनेमा जाने के बजाय घर क्यों नहीं जाते हो, देखिए ध्यान नहीं दिया हमने, Why do you not go to, घर जाने के लिए कहा जा रहा है, to
द हाउस इन स्टेड ऑफ टू सिनेमा क्वेश्चन मार्क मुझे फुटबॉल के बजाय गेंद मिली क्या हुआ मुझे मिली गेंद आई गॉट ए बॉल इन स्टेड ऑफ ए फुटबॉल ठीक है अब देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन आती है यूज ऑफ बिसाइड ये बिसाइड और बिसाइड्स दो प्रीपोजिशन है इसमें एस नहीं लगा हुआ है इसका मीनिंग होता समीप बगल में के पास या निकट ऐसे इसका कुछ अर्थ होता है ठीक है जब किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के पास होना निकट होना समीप होना या बगल में होने का बोध या जानकारी होती है तो बिसाइड का प्रयोग करते हैं ठीक है तो देखेंगे रवि हमेशा मेरे पास बैठता है और ध्यान दें बिसाइड का मीनिंग होता बाई दी साइड ऑफ की बगल में के किनारे के समीप बाई द साइड ऑफ ठीक है तो रवि बैठता प्रेजेंट टेंस में है हम किसी भी प्रकार का सेंटेंस बनाएं कोई सा भी हम कोई सी चीज प्रयोग करें स्टोरी बनाएं बिना टेंस के कोई भी कार्य संभव नहीं है इस बात को क्लियर समझ लें स्टूडेंट्स इसमें कोई आपको धोखा देने वाली या बहानेबाजी नहीं है तो बिना टेंस के हम एक पैर भी आगे नहीं उठा सकते हैं ग्रामर के अंदर ठीक है तो रवि बैठता है रवि हमेशा बैठता है तो रवि हमेशा बैठता है सिंगुलर नंबर है तो रवि के अनुसार इसमें ऐसा लग जाएगा मेरे पास क्या होगा बिसाइड बिसाइड मी मीन्स बाय द साइड ऑफ मी ये बिसाइड जो है बाय द साइड ऑफ की जिसे कहते हैं संक्षिप्त रूप है शॉर्ट फॉर्म है बिसाइड को हम ये लिख सकते हैं बाय द साइड ऑफ हम इतना बड़ा ये फ्रेज प्रीपोजिशन है इसको ना लिख करके शॉर्ट में ही लिख देते हैं हम बिसाइड ठीक है तो हम बाय द साइड ऑफ भी प्रयोग कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है लेकिन ये इसका छोटा रूप है इसे प्रयोग कर लीजिए ठीक है सोने की चूड़ी संदूक के पास पड़ी हुई थी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है पास आ रहा है निकट आ रहा है बाय द साइड ऑफ कर दीजिए या फिर बिसाइड का प्रयोग कर दीजिए ए गोल्डन बैंगल थी पड़ी हुई लाइंग एल वाई आई एन जी ये एल आई ई की आई एन जी फॉर्म है जिन वर्ब्स के अंत में आई और ई आता है तो आई एन जी जोड़ते समय उस आई ई को हटा करके वाई लगाते हैं और फिर आई एन जी जोड़ते हैं लाइंग बिसाइड द बॉक्स तुम मोहन के समीप क्यों नहीं बैठते हो या तुम मोहन के बगल में क्यों नहीं बैठते हो तुम मोहन के निकट क्यों नहीं बैठते हो किसी प्रकार से होता है तो बिसाइड का ही प्रयोग करेंगे पास में बैठने के लिए बिसाइड आता है या बाय द साइड ऑफ सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है
क्यों के लिए वाई, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, यू के साथ डू आएगा, वाई डू यू, इसमें नॉट भी है तो ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, वाई डू यू नॉट सिट। बिसाइड या बाय द साइड ऑफ, मोहन। इस प्रकार से हम बिसाइड भी प्रयोग कर सकते हैं या बाय द साइड ऑफ भी प्रयोग कर सकते हैं। बछड़ा अपनी माँ की बगल में कैसे खड़ा हुआ है, बछड़ा खड़ा हुआ है गाय के पास में, तो कैसे खड़ा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और इंटरोगेटिव है सेकंड टाइप, तो क्या आएगा हाउ, कैसे है बछड़ा ए काफ स्टैंडिंग बिसाइड अपनी माँ। काफ के लिए हम यहाँ पर हिज का प्रयोग नहीं करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे, इट्स मदर। नेक्स्ट लास्ट है इसका, वह मेरे पास नहीं बैठेगा, टेंस बदल गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया, ही विल नॉट सिट बिसाइड मी। अब देखिए आता है बिसाइड्स, तो बिसाइड और बिसाइड्स में कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं, तो बिसाइड्स का मीनिंग होता अतिरिक्त, जब एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य भी किए जाने का बोध होता है या किए जाने की जानकारी होती है तो बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। बिसाइड्स का मीनिंग होता है एक काम तो कर ही रहे हैं उसके साथ दूसरा भी किया, इसका मीनिंग होता है एज वेल एज और भी या इन एडिशन टू के अतिरिक्त। कुछ एग्जांपल्स हैं उसके द्वारा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कलम के अतिरिक्त ब्रश भी खरीदा, ठीक है, ब्रश भी खरीदा और उसके साथ साथ जो है कलम भी खरीद लिया, तो इसमें भी की अंग्रेजी के लिए आल्सो का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। पास्ट इंटेंस में है मैंने खरीदा, आई बोट। अब देखिए के अतिरिक्त क्या है, इसमें प्रीपोजिशन है, ठीक। ब्रश जो है इस प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है और कलम जो है इस प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है, ठीक। तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो जो बाद में आने वाला नाउन है वो पहले आएगा और पहले आने वाला बाद में आएगा, तो आई बॉट ए ब्रश, बिसाइड्स ए पेन। तो किस प्रकार से लिखा, ब्रश तो यहाँ बाद में आ रहा था इस प्रीपोजिशन से हिंदी में, यहाँ पहले आ गया, यहाँ पहले आ रहा था ये बाद में आ गया, ठीक है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आई बोट ए ब्रश, इस बिसाइड्स के स्थान पर हम एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में के अतिरिक्त आ रहा है तो हम इसका बिसाइड्स का ही प्रयोग करेंगे, भी की अंग्रेजी इसमें नहीं आएगी, ठीक है, इसके लिए आल्सो का प्रयोग नहीं करेंगे। पढ़ने के अतिरिक्त तुम्हें खेलना भी चाहिए, तुम्हें खेलना भी चाहिए, इसमें चाहिए अर्थ आ गया, मॉडल आ गई, इसमें शुड का प्रयोग होगा, तुम्हें यू शुड प्ले।
ठीक है, इन स्टेड ऑफ, सॉरी बिसाइड्स, अब यहां पर प्ले है तो बिसाइड्स के बाद रीड आएगा, या स्टडी का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के लिए वोकेबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना कंपलसरी है, अदरवाइज ट्रांसलेशन वीक रहती है। यदि हमारे पास पर्याप्त वोकेबुलरी नहीं है तो रीता नृत्य के अतिरिक्त गायन भी क्यों नहीं सीखती है? ये सीखती, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो वाई रीता के अनुसार वाई के बाद डज आएगा सिंगुलर नंबर के साथ, वाई डज रीता नॉट लर्न गायन, ठीक है। तो यहां पर गायन के लिए हम जीरण का प्रयोग करेंगे। जीरण नाउन का कार्य करता है, क्या आएगा, सिंग मींस होता है गाना, ठीक है। जब जीरण बनेगा तो इसमें आई एन जी और जुड़ेगा, सिंगिंग गायन, ठीक है। ये गा रहा नहीं है, गायन नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। बिसाइड्स डांसिंग, इसका मीनिंग नाच रहा नहीं है, नृत्य, ये जीरण है और जीरण नाम का कार्य करता है। यहां पर ये और यहां पर सिंगिंग ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा प्रोनाउन आएगा, ये तो नाउन है। तुम आगरा के अतिरिक्त मथुरा भी क्यों गए? तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इंटरोगेटिव है, वाई डिड यू गो टू मथुरा, बिसाइड्स आगरा, प्रातः है टहलने के अतिरिक्त कुछ व्यायाम भी करो। जिस वीडियो हमने इंपरेटिव सेंटेंस समझाए हैं उनमें हिंदी वाक्यों के अंत में ओ ये आता है, तो इससे पहचान हो रहा है कि ये इंपरेटिव है। तो प्रातः है टहलने के अतिरिक्त कुछ व्यायाम भी करो, तो क्या आएगा, व्यायाम भी करो, टेक सम एक्सरसाइजेज, कुछ व्यायाम भी करो, बिसाइड्स ए वॉक, प्रातः है सुबह के समय, सुबह सुबह प्रातःकाल, इन सब के लिए इन द मॉर्निंग आता है। और नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है, दूध के अतिरिक्त कुछ फल भी मरीजों को दिए जाने चाहिए। देखिए ये सेंटेंस हमने पैसिव वॉइस में रखा है जानबूझ करके, सारे सेंटेंस एक्टिव में है, तो पैसिव वॉइस भी कहीं भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि एक्टिव ही आएगा। तो अब तक हमारा जो ये बिसाइड्स प्रीपोजिशन थी नाउन के साथ, वो ऑब्जेक्ट पार्ट में आ रही थी, अभी सब्जेक्ट पार्ट में आ गया। तो दूध के अतिरिक्त कुछ फल भी मरीजों को दिए जाने चाहिए, तो ये मॉडल की पैसिव वॉइस है। तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए हम पहले लिखेंगे दूध के अतिरिक्त, ठीक है, कुछ फल भी दिए जाने चाहिए, यानी कुछ फल अतिरिक्त दूध के,
तो आएगा सम फ्रूट्स बिसाइड्स मिल्क। ये इस प्रकार से भी हो सकता है, ध्यान देंगे ये जो बिसाइड्स मिल्क आ रहा है इसको शुरू में लिख देंगे बिसाइड्स मिल्क, फिर हम कॉमा लगाएंगे। चलो अभी देख देंगे बाद में नीचे। तो सम फ्रूट्स बिसाइड्स मिल्क शुड बी गिवन, शुड बी गिवन टू दी पेशेंट्स, इस प्रकार से हमें लिखना है। देखिए और में बिसाइड्स मिल्क कोमा लगा देंगे इस प्रकार से, सम फ्रूट्स शुड बी गिवन टू द पेशेंट्स। इससे पहले सेंटेंस लिखवाया था हमने सम फ्रूट्स बिसाइड्स द मिल्क, बिसाइड्स मिल्क शुड बी गिवन टू द पेशेंट, लेकिन बिसाइड्स द मिल्क को शुरू में लिख करके हम कॉमा लगाएंगे तब लिखेंगे सम फ्रूट्स शुड बी गिवन टू द पेशेंट। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो मिस्टेक। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कैसे हमने इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया। आई होप यू हैव गॉट इट। ओके थैंक्स।